हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन आउट देयर। यूसुफ रियल एस्टेट वाला आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक और 5 मरले का C1 ब्लॉक B17 में हम आपके लिए घर लेके आए हैं। ये घर जो है ना, काफ़ी स्पेशल होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम एंटर होते हैं, बड़ी गाड़ी यहाँ पे आराम से खड़ी हो सकती है। और टाइलों की आप ये देख सकते हैं, फॉर्मेशन देख सकते हैं, तकरीबन 4 से 4.5 फुट 5 फुट की ये गली है आपके पास, जहाँ पे आप काफ़ी जो है ना, कोई चीज़ आपने इसको एज अ वॉशिंग एरिया यूज़ करना है, आपने इसके इधर मोटरसाइकिल्स पार्क करनी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अंदर जाते हैं जी, काफ़ी स्पेशल होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि सॉलिड वुड के डोर बने हुए हैं, और हम जैसे ही एंटर होते हैं तो राइट साइड पे हमारे पास ओपन ड्राइंग रूम है / टीवी लॉन्च के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको। लेकिन इसमें आप एक चीज़ नोट करेंगे कि स्पेस काफ़ी है, स्पेस आपको ना काफ़ी इसको स्पेशियस बनाया गया है। और जैसे ही हम एंटर होते हैं जी, एक बेडरूम है नीचे, और एक बेडरूम में हमारे पास जो फ्लोर लगा हुआ है वो वुडन फ्लोर है, टाइल नहीं है, ये वुडन फ्लोर है। और उसके साथ साथ हमारे पास वॉशरूम है, वॉशरूम में जी काफ़ी अच्छी एसेसरीज लगी हुई हैं, ठीक है जी। ये मैंने ऑन कर दिया इसको ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि भाई किस लेवल की चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं, ठीक है। रेन शावर लगा हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त। अब एक एक चीज़ मुझे आपको दिखानी पड़ेगी ताकि आप ये देख सकें कि यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है जी। किचन, क्लोज किचन है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, एसेसरी सारी इंस्टॉल्ड है। किस लेवल की इंस्टॉल्ड है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, किस लेवल की ये इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। और इसके अलावा पीछे वाली आप गली देखेंगे, मैं काफ़ी खुली गली है जिसको एक मुनासिब वॉशिंग एरिया के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, एक मुनासिब वॉशिंग एरिया, काफ़ी खुला वॉशिंग एरिया। और ये घर जो है ये 2550 पाँच मरले का घर है, और मुझे यकीन नहीं होता क्योंकि काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन डिज़ाइनर घर बनाने की इन्होंने कोशिश की है। ग्रेनाइट लगा हुआ है सीढ़ियों पर, और इसके साथ ही मैं हम लोग अगर जैसे ही ऊपर जाते हैं तो 2 बेडरूम्स हैं लेफ्ट और राइट पे, ठीक है। पहले मैं इस बेडरूम में जाता हूँ, इसके साथ जो है वो अटैच बाथ है, और जिस तरीके से हमने आपको नीचे सारी चीज़ें दिखाई है ना, उसी तरीके से ऊपर भी सारी फॉर्मेशन हुई हुई है, काफ़ी खर्चा हुआ हुआ है भाई इस घर पे। दूसरा बेडरूम, ये बेडरूम है इसका, ये टेरेस है, ग्लास टेरेस यूज़ किया गया है, इसमें ग्लास यूज़ किया गया है टेरेस की जो ग्रिल के ऊपर। और ये देखिए मेरे पास दूसरे बेडरूम का वॉशरूम आ गया। 3 बेडरूम है टोटल, ओपन ड्राइंग डाइनिंग है, और इसके साथ साथ आप इस एरिया को एज आ ड्राइंग रूम भी यूज़ कर सकते हैं, इसको एज आ टीवी लाउंज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त है। अभी हम जाते हैं जी ऊपर, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग्स लगी हुई हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर क्या है भाई, ये एरिया आप एज आ स्टोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये सामने व्यू है, मार्गला की पहाड़ियाँ आ रही हैं सारी, और ऊपर भी टाइलें लगी हुई हैं, ये इसकी मम्मटी है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मेरा नंबर थ्रू आउट द स्क्रीन आ रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं।